साथियों, आज देश वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। आप मेरे साथ बोलेंगे, आप सब मेरे साथ बोलेंगे, मैं कहूंगा वोकल फॉर, आप कहेंगे लोकल। वोकल फॉर, वोकल फॉर, वोकल फॉर, वोकल फॉर, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपने रोजमर्रा के जीवन का, अपनी रोजमर्रा की खरीदी का हिस्सा बना रहा है। अब लोग जब बाहर जाते हैं, बाजार जाते हैं, ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं ये सामान भारत का बना हुआ है कि नहीं है, भारत में कहां बना हुआ है, कहां पैदा हुआ है। साथियों, स्थानीय लोगों का बनाया सामान जब बिकता है, दूर दूर तक जाता है, तो आपको भी पता है कि इसका फायदा किसको होता है। किसी कुटीर उद्यमी का, किसी मेरे बुनकर परिवार का, किसी दिए बनाने वाले का, ऐसे या कोई खिलौने बनाने वाले का, किसी पेंटिंग बनाने वाली मां बहन का, गरीब महिला का, वोकल फॉर लोकल, ऐसे गरीबों की जिंदगी बदलने का भी एक बहुत बड़ा अभियान है। साथियों, आपने देखा भी है, सुना भी है, और जब भी मैं बिहार आता हूं, मखाने की बात जरूर करता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे आने के बाद ही सबको ये पता चला कि यहां मखाना इतना ज्यादा होता है, इतना अच्छा होता है। ये बात पहले से भी पता थी लोगों को, लेकिन गर्व के साथ हम अपनी चीजों का बखान नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। जब अपनी स्थानीय चीजों को आगे बढ़ाते हैं, उसे सिर माथे पर लगा के रखते हैं, तो दुनिया को भी पता चलता है, दुनिया में भी उसकी गूंज होती है, फिर वो चीज सिर्फ लोकल नहीं, देखते ही देखते वो ग्लोबल बन जाती है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं, खादी का उदाहरण। ऐसा नहीं है कि जब एनडीए सरकार आई तो किसी नई तरह की खादी का जन्म हो गया। खादी तो वही पुरानी है, लेकिन बीते वर्षों के प्रयासों से अब खादी का गौरव, हमारे बुनकरों की मेहनत का गौरव कुछ और हो गया है, बढ़ गया है। पहले जितनी खादी बिकती थी, उससे कई गुना ज्यादा खादी आज बिक रही है, लोग खरीद रहे हैं, दुनिया में भी मांग बढ़ रही है। 2014 से पहले, याद रखिए, 2014 से पहले 25 साल में, 25 वर्ष में जितने रुपए की खादी हमारे देश में बिकी थी, उससे ज्यादा की खादी सिर्फ पिछले 5 साल में बिक चुकी है। बताइए कितने गरीबों का लाभ हुआ होगा, कितनी विधवा माताओं का फायदा होगा, कितने बुनकर भाइयों को फायदा हुआ होगा। आप हैरान हो जाएंगे, दिल्ली में एक खादी का स्टोर है, 2-3 हफ्ते पहले एक दिन में करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान उस एक स्टोर में से बिका है। बताइए, लोकल लोगों की प्रोडक्ट। हमारे बिहार में तो ऐसी चीजों, ऐसे सामानों की लिस्ट बहुत लंबी है।
हमें खादी की तरह ही देश और दुनिया में इनका प्रचार करना है, प्रसार करना है। आज सहरसा की इस भूमि से मैं देश भर के लोगों को आग्रह भी करना चाहता हूं, 130 करोड़ देशवासियों को आग्रह करना चाहता हूं, आने वाले दिनों में धनतेरस का त्योहार आ रहा है, दिवाली का त्योहार आ रहा है, फिर छठी मैया की पूजा भी है। मेरा 130 करोड़ देशवासियों से आग्रह है, जितना संभव हो पाए आप लोकल चीजें ही खरीदिए। जब आप घर के आसपास के बने दीप खरीदेंगे, तो घर के आसपास बने सामान खरीदेंगे, तो दिवाली सिर्फ आपके घर में नहीं, दिवाली उस गरीब के घर में भी होगी। मेरे भाइयों बहनों, आप देखिएगा, जब आपके साथ साथ एक गरीब भी दिवाली मनाता होगा, तो आपका आनंद, आपका संतोष चार गुना बढ़ जाएगा। भाइयों बहनों,